बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले माजरत के साथ, मैं आज काफ़ी अरसा बाद राउंड अबाउट 75 डेज़ के बाद हाज़िर हुआ हूँ। इस दौरान मेरी काफ़ी मसरूफियात थी, कुछ ऑफिशियल मसरूफियात थी, कुछ मेरी सेल्फ मसरूफियात, पर्सनल मसरूफियात थी, और मैं चैनल पर हाज़िर नहीं हो सका। तो आज मैंने टाइम निकाला है, समर वेकेशंस हो चुकी हैं, अब इंशाल्लाह ताला मैं अपनी रूटीन को बहाल करने की कोशिश करूंगा। तो आज मैंने टाइम निकाला है कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की को मेरे जहन में सलाह आई है कि टेम्परेचर आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 40+ टेम्परेचर जा रहा है। पंजाब के अक्सर इलाकों में काफ़ी गर्म मौसम है और लू भी चलना शुरू हो गई है। तो आगे जून में मज़ीद ये काम बढ़ेगा, लू भी चलेगी, खुश्क हवा आएगी और उसके साथ साथ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा चले जाना और लू का चलना, उसके साथ नमी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत नीचे गिर जाना जो है, ये हमारे असीलों को बहुत मुतासर करता है। इस दौरान अक्सर लोग जिन जो नए शौकीन हैं, जो प्रॉपर देखभाल नहीं कर रहे होते, या जिनका सेटअप छत के ऊपर है, ऐसे खुडे जो लोहे के बने हुए हैं, जिनकी छतें भी लोहे की टीन की हैं, चादरों की हैं, तो वो प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाते, उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके परिंदे जो हैं अटैक आने से, हार्ट अटैक आने से, पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन की वजह से मुर्गे मुर्गियां बड़े कीमती परिंदे मर जाते हैं। तो आज की वीडियो में एहतियाती तदाबीर बताई जाएंगी और एक ख़ास आपके साथ देसी चीज़ शेयर करूँगा जिसके इस्तेमाल से आपके मुर्गियाँ मुर्गे इंशाअल्लाह ताला 45+ जो टेम्परेचर होगा और ह्यूमिडिटी लेवल 30 से भी बिलो होगा उसमें भी सरवाइव करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपके मुर्गे ज़्यादा मुंह खोल के सांस नहीं लेंगे, तबखीरी नहीं होगी, उनमें तलखी नहीं आएगी, उनमें जो गर्मी की वजह से उनके टेम्परेचर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो कंट्रोल रहेगा, उसके अलावा दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, और भी बहुत सारे फ़ायदे। खसूसन जो परिंदे दाना छोड़ जाते हैं गर्मियों में और बस पानी पे ही कंसंट्रेट करते हैं और दाना नहीं खाते, दाना बिल्कुल छोड़ जाते हैं, और आप लोग परेशान होते हैं कि हमारे परिंदे दाना नहीं खा रहे, उनके लिए भी ये नुस्खा इंतहाई बेहतरीन होगा। इंतहाई सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है, बनाना भी आसान है, मिलता भी आसानी से है, नायाब नहीं है और सस्ते में मिलता है। आपने करना क्या है, पंसार स्टोर पर चले जाएँ, आप अपने लोकल मुकामी कोई भी पंसार स्टोर है जिसके पास ये पंसार की चीज़ें होंगी, आम करियाने से भी आपको शायद ये मिल जाए, तो आप वहाँ पे जाएं और उसे जरशिक शीरी के नाम से आपने ये डिमांड करनी है। इसकी शक्ल जो होगी ये किशमिश की तरह होगी, जो मनक्का होता है काला, उसकी शक्ल का ये होगा और रेड कलर में होगा। पंजाबी में इसे काली किशमिश भी कह लेते हैं, इंग्लिश में इसे बारबरीज कहते हैं। ये आपने ले आनी, आपको 200 से 250 की आप ले आएँ तो ये आपके लिए काफ़ी होगी। आप ले आएँ, इससे आपने अब इस्तेमाल कैसे करना है, आपने रात को एक मिट्टी का प्याला ले लें या कप ले लें, कोई भी मिट्टी का बर्तन छोटा सा ले लें, उसमें अरके गुलाब डाल लें 20 से 30 ml। अगर आपके पास अरके गुलाब मौजूद ना हो तो फिर कोई भी आम सादा पानी, फिल्टर्ड वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरके गुलाब लें या पानी लें, उस कप में डालें, तकरीबन 20 से 30 ml डालें, उसमें फिर आपने ये 20 दाने जरशिक शीरी के डाल देने हैं। अब ये सारी रात भीगा रहे, या तो आप खुली हवा में रखें जहाँ पे ठंडी खुली फिजा हो, ओस पड़े, तरेल पड़े, शबनम पड़े उस पर, तो या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि फ्रिज के निचले वाले खाने में आप रख लें। तो सारी रात जब वो उसमें पड़ा रहेगा तो वो फूल जाएगा, उसके असरात उस पानी में आ जाएंगे। सुबह टाइम आपने क्या करना है, जब तकरीबन 10-11 बज जाएँ, जब लू के चलने का प्रॉपर टाइम हो जाए, खुश्की हवा में आ जाए और आपके मुर्गे डू करना शुरू कर जाएँ, आपके मुर्गियाँ मुर्गे मुँह खोल के सांस लेना शुरू कर दें, तो उस दौरान आपने ये पानी ऑफर करना है। किस तरह से, आप किसी
मिट्टी का कुंडा किसी की ले लें, कोई बर्तन मिट्टी का, उसमें आपने पानी डालना है कितना, 1 लीटर, 1 लीटर पानी, और फिल्टर वाटर लें, उसमें आपने 20 ml गाय का, बकरी का या फिर भैंस का दूध डाल दें। ऊपर से ये जो दाने आपने भिगोए थे इनको अच्छी तरह मसल के, ये पानी भी करके गुलाब और पानी वगैरह उसमें डालें, अच्छी तरह हल करें और अपने परिंदों के सामने ऑफर करें, वो बड़े शौक से पियेंगे। इसके इस्तेमाल से आपके परिंदे के जिगर, दिल, दिमाग के अंदर जो गर्मी के असरात है वो निकल जाएंगे, उनका मैदा, उनका निज़ाम, उनकी इंटेस्टाइन्स ये बेहतर होंगी, उसका एसाबी निज़ाम कंट्रोल होगा, और इसका जो मेजर आपको फ़ायदा मिलेगा कि मुर्गे के जो मिनरल्स होते हैं, जब मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा टम्परेचर में मुँह खोल के सांस ले रहे होते हैं, तो ना सिर्फ वो सांस ले कर अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि उस दौरान उनके मिनरल्स का अखराज हो रहा होता है, और मिनरल्स के अखराज करके वो अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मिनरल्स जब बहुत ज़्यादा नमकियात जो हैं जिस्म से खारिज हो जाते हैं तो नमकियात की कमी हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल बारबरीज जो है या जरशक कशीरी के इस्तेमाल से आपके परिंदों का जिस्म में से मिनरल्स का जो अखराज है वो कम हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा, आपके परिंदों के जिस्म से मिनरल्स का अखराज नहीं होगा, मिनरल्स ज़ाय नहीं होंगे और आपके परिंदों के मिनरल्स कायम रहेंगे। उसके अलावा आपके परिंदे की जिल्द तरोताज़ा रहेगी, आपके परिंदे का दिलो दिमाग तंदुरुस्त रहेगा, आपके जो परिंदे हैं उनमें पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। आपने ये तरीकाकार आपने अपनाना है, 10 बजे से लेकर ये 2-3 बजे तक ये पानी चलना चाहिए। अगर आपकी 10 मुर्गियाँ हैं तो 1 लीटर पानी बना लें, अगर 20 मुर्गियाँ हैं तो 2 लीटर पानी बनाएं, और आपने ये सारी चीज़ों को डबल कर लेना है। आपने सारी चीज़ें डबल करके ये अपने परिंदों को ऑफ़र करें रोज़ाना की बुनियाद पर, जब तक कि टम्परेचर बेहतर नहीं होता और हवा में नमी बेहतर नहीं होती, तो इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे हर किसी किस्म के हर प्रॉब्लम से महफूज रहेंगे। उसके अलावा आपने सेकंड टाइम पे 4 बजे के राउंड अबाउट अपने परिंदों को तरबूज के छिलके वो ज़रूर खिलाया करने हैं, तरबूज ले आएँ करें, ख़ुद भी खाएं, ये डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है, ये गुर्दों के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, तरबूज लें। और आजकल ये मुहिम चल रही है कि तरबूज में टीके लग रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, टीके नहीं लगते, ये झूठ है, किसानों के ख़िलाफ़ एक ये मुहिम है, तो आप बिला झिझक इस्तेमाल करें, तरबूज का खुद खाएं और जो छिलके बचे हैं वो अपने परिंदों को ऑफ़र करें, वो उनमें को खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे भी उनके जिस्म को काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे और आपके परिंदे जो हैं गर्मी से लड़ने के काबिल हो जाएंगे, और आपके परिंदों में इंशाल्लाह ताला इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से उनकी कुव्वत मुदाफ़त इस हद तक बढ़ जाएगी कि रानी खेत जैसी मौजी मर्ज़ों के ख़िलाफ़ भी उनकी कुव्वत मुदाफ़त अमल करेगी, बैक्टीरियल बीमारी जो हैं और फंगल बीमारियां वो भी अटैक नहीं करेंगे। अपने परिंदों को सेकंड टाइम पे ना लाया भी करें, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो आप 5-6 बजे अपने परिंदों को नहला भी सकते हैं, ठंडे पानी से नहलाएं, कोई मसला नहीं है, आपके परिंदे फिट रहेंगे, इससे आपके परिंदों का बॉडी टेम्परेचर ठीक रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।